बापू सभागार आप देख रहे हैं कि हर रोड और हर ब्लॉक पूरा जाम हो गया है। और हाजीपुर से हम लोग आए हैं, हाजीपुर में आप देख सकते हैं, चाहे मीडिया के कोई भी बंधु से आप पता कर सकते हैं कि वहां का प्रोग्राम कैसा चल रहा है, क्या है। पूरा फेलुअर वहां का प्रोग्राम है, कुछ नहीं। हम लोग जीतेंगे, चिराग जी का पार्टी वहां से जीतेगा, चिराग भैया जीतेंगे। चिराग भैया माता श्री को खड़ा करे या अपने आए, हम लोग उनके साथ में खड़े हैं। चिराग भैया जो है 2025 का मुख्यमंत्री भी होने जा रहे हैं। नारा लगता है कोई? हाँ, पूरा नारा। युवा वर्ग, सर्व जाति का लोग, युवा वर्ग में सबका चहेतेदार चिराग भैया है। तो 2025 में तो भैया बन ही रहे हैं मुख्यमंत्री, इसमें कोई कहीं से कोई दो मत का बात नहीं है। यहाँ से मुख्यमंत्री भैया बन रहे हैं और हाजीपुर का सांसद भी वहाँ से बन रहे हैं भैया। चिराग भैया का हेलीकॉप्टर पूरा बिहार में उड़ेगा और इसको उड़ने से कोई नहीं रोक सकते हैं, चाहे उनका चाचा हो या कोई भी नेता हो, कोई नहीं रोके उनका। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ेगा या उड़ेगा ही उड़ेगा। चाचा नहीं पसंद है पशुपति पारा जी? नहीं, वो तो उम्र दराज हो गए और युवा को सब चाहते हैं। युवा भी अभी कर्मठ है, करने लायक है, और चाचा तो अब रिटायरमेंट होने वाले हैं। देखिए, बापू सभागार के पास हमारी मौजूदगी है। तारीख आज 28 नवंबर है और आज ही 24 साल पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान ने एक पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रखी थी। स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जरा दिखा दीजिए वो द्वार का भी फोटो, किस तरीके से स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है, सजाया गया है। और चिराग पासवान को मानने वाले, प्यार करने वाले जितने लोग हैं, उनके जो वोटर्स हैं, जो उन्हें पसंद करते हैं, वे लोग यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। पूरा रोड ब्लॉक है तो भीड़ जो है वो बड़ी मात्रा में है, ये बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों से हम थोड़ी प्रतिक्रिया लेंगे। सबसे पहले ये भाई साहब बहुत जद्दोजहद करके आप पहुँच रहे हैं यहाँ पर, चिराग पासवान इतने पसंद हैं? बहुत बहुत भैया का बहुत, काफ़ी हम पसंद करते हैं। बहुत दिन से हमसे जुड़े हुए हैं, जब से इनका पार्टी टूटा हम लोग इनके साथ में खड़े हैं। 2020 से हम लोग खड़े हैं इनके साथ में। भैया का जो भी आदेश होता है, हम लोग आदेश का उनका पालन करते हैं। और हम लोग हाजीपुर से आए हैं। अच्छा, हाजीपुर से आए हैं। देखिए, हाजीपुर कहा जाता है कि रामविलास पासवान की कर्म भूमि रही है। चाचा वहाँ पर पारस जी को तो जान रहे होंगे ना, पार्टी टूटने का आपने बात किया, बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं? कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं है, कोई बड़ा काम करें नहीं। उनका चाचा जी का प्रोग्राम पूरा फेलुअर साबित होगा हाजीपुर में। और बापू सभागार आप देख रहे हैं कि हर रोड और हर ब्लॉक पूरा जाम हो गया है। और हाजीपुर से हम लोग आए हैं, हाजीपुर में आप देख सकते हैं, चाहे मीडिया के कोई भी बंधु से आप पता कर सकते हैं कि वहाँ का प्रोग्राम कैसा चल रहा है, क्या है। पूरा फेलुअर वहाँ का प्रोग्राम है, कुछ नहीं है। चिराग जी के बारे में नारा लगता है कि मुख्यमंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है। तो 2025 में तो भैया बन ही रहे हैं मुख्यमंत्री, इसमें कोई कहीं से कोई दो मत का बात नहीं है। यहाँ से मुख्यमंत्री भैया बन रहे हैं और हाजीपुर का सांसद भी वहाँ से बन रहे हैं भैया। हाजीपुर तो भाई पारस जी लड़ेंगे, दावा कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि भैया लड़ेंगे। दावा क्या करेंगे, वहाँ उनका पापा जी का विरासत है और हम लोग वहाँ से, हम लोग हाजीपुर से हर एक 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 कार्यकर्ता बूथ स्तर पर मजबूत कर दिए हैं और वहाँ से हम लोग हाजीपुर जीत रहे हैं। और भैया का जो भी तो जीतिएगा, लेकिन चाचा जीतेंगे कि भतीजा जीतेगा, यही लड़ाई है। हम लोग जीतेंगे, चिराग जी का पार्टी वहाँ से जीतेगा, चिराग भैया जीतेंगे। चिराग भैया माता श्री को खड़ा करे या अपने आए, हम लोग उनके साथ में खड़े हैं। मतलब रीना पासवान के लिए भी तैयारी है, अगर उनकी माता जी भी लड़ेंगी तो? पूरा तैयारी है, माता जी के भी लिए हम लोग पूरा तैयारी में हैं। क्या नाम हुआ आपका, अभी युवा है? मेरा नाम अनुरोध पासवान हुआ। अनुरोध पासवान, क्या कहना है चिराग पासवान को लेकर, बड़ा भीड़ जुटा है? भीड़ जुटा है, इस बार चिराग भैया का हेलीकॉप्टर पूरा बिहार में उड़ेगा और इसको उड़ने से कोई नहीं रोक सकते हैं, चाहे उनका चाचा हो या कोई भी नेता हो, कोई नहीं रोके उनका। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ेगा या उड़ेगा ही उड़ेगा। चलिए, तो हेलीकॉप्टर उड़ने की बात, देखिए 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 नारा, देखिए किस तरीके से लगाया जा रहा है। बड़ा बड़ा जोश में कार्यकर्ता है चिराग पासवान के, चिराग खुद भी जोश में। जी, चिराग ऐसे भी जोश में है और हम चाहते हैं कि चिराग की सरकार बने। और जिस तरह से चिराग हमारे जोश भरे हैं, मैं उसी तरह, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि युवाओं का संगठन एकदम, युवाओं का जो है चेहता है और अधिक से अधिक युवा भी इससे प्रेरित होकर आए हुए हैं। हाजीपुर को लेकर बड़ी लड़ाई है, हाजीपुर को लेकर लड़ाई है कि हाजीपुर कौन लड़ेगा। चाचा एकदम अडिग है कि हाजीपुर हमको लड़ना है। नहीं, चाचा अडिग है तो हमारे चिराग पासवान ही अडिग है, चाहे चाचा हो या कोई भी हो, लेकिन चिराग पासवान अपना पार्टी उतारेंगे। चलिए, एक चाचा है, हम चाचा से भी बात करेंगे। चाचा आप आइए इधर, आप बुजुर्ग हैं, किसको हाजीपुर लड़वाना चाह रहे हैं, चिराग पासवान की पशुपति पारस? चिराग पासवान लड़ेंगे भाई, चिराग पासवान लड़ेंगे, चिराग पासवान लड़ेंगे जी।
चाचा नहीं पसंद है पशुपति पारा जी? नहीं, वो तो उम्र दराज हो गए और युवा को सब चाहते हैं, युवा भी अभी कर्मठ है, करने लायक है, और चाचा तो अब रिटायरमेंट होने वाले हैं। देखिए, एक बुजुर्ग भी कह रहे हैं कि बुढ़ापे में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। सर, नाम आपका? मेरा नाम दुर्गेश कुमार सिंह हुआ। दुर्गेश कुमार सिंह, हाजीपुर से आ रहे हैं कि पटना से? हम लोग तो मुंगेर से आ रहे हैं। सारा टीम जो है जमालपुर विधानसभा से है जी। क्या कहना है, बड़ा जोश में मुंगेर का टीम आया है? हाँ, जोश में आया है और जोश में रहेगा भी। और हमारा चिराग भैया जो है 225 का मुख्यमंत्री भी होने जा रहे हैं। नारा लगता है कोई? हाँ, पूरा नारा, युवा वर्ग सर्व जाति का लोग, युवा वर्ग में सबका चहेतेदार चिराग भैया है। राष्ट्रीय हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और माननीय जमुई सांसद भी हैं। आदरणीय माननीय श्री चिराग पासवान जी हमारे गार्जियन हैं और हम लोग उनका विरासत जो है हाजीपुर है, उनके पिताजी लड़े हैं हाजीपुर से। चलिए, तो आप जो और जो कार्यकर्ता हम दिखा रहे हैं, देखिए ये भीड़ देखिए किस तरीके से जो चिराग पासवान के तमाम कार्यकर्ता हैं, वो पसंद करने वाले लोग हैं, वो किस तरीके से यहाँ पहुँच रहे हैं। तो आप बने रहिए तो बिहार टॉप के साथ, हम बहुत जल्द फिर आपके साथ जुड़ने वाले हैं। शुक्रिया।